हेलो एवरीवन, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डिबगिंग की। जैसा कि आपने हमारी कुछ वीडियो में देखा होगा कि हमने डिबगिंग को इंट्रोड्यूस किया, बट हमने डिबगिंग के बारे में डिटेल बात में बात नहीं करी। इस वीडियो में हम डिबगिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली डिबगिंग क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। डिबगिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने अपने प्रोग्राम में से कोई बग निकाल दिया। अब बग क्या होता है? बग बेसिकली कोई फॉल्ट होता है, कोई मिस्टेक होती है जो कि आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास लेट्स से एक प्रोग्राम है जिसका आउटपुट कुछ एक्चुअली ये होना चाहिए था जो कि हमारे पास नोट पैड पर लिखा है कि मूव 50 स्टेप्स, मूव 20 स्टेप्स, प्ले नोट 60 फॉर 0.5 बीट्स, प्ले नोट 62 फॉर 0.5 बीट्स एंड मूव 20 स्टेप्स। लेकिन एक्चुअली जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है स्क्रैच में, उसका स्ट्रक्चर तो कुछ इसी तरीके का है, लेकिन उसकी जो स्टेप्स हैं और जो प्ले नोट्स हैं वो डिफरेंट हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसमें मिस्टेक्स हैं, उसमें बग्स हैं, और हम एक एक करके उन बग्स को रिमूव करेंगे, राइट? तो सबसे पहला बग तो हमारा ये हो सकता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे अप्रोप्रिएट नहीं दिए हुए। हमने अपने प्रोग्राम में जो नंबर्स हमने ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं वो सही नहीं है। अगर हम इसको चेंज कर दें तो हमारा बग जो है वो रिमूव हो जाएगा, वो डीबग हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये करके देख लेते हैं कि हमारे तो जैसे कि हमारी पहले लाइन में है मूव 50 स्टेप्स और सेकंड लाइन में है मूव 20। तो हम पहले ये कर लेते हैं कि मूव 50 स्टेप्स, मूव 20 स्टेप्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि प्ले नोट 60 फॉर 0.5 बीट एंड प्ले नोट 62 फॉर 0.5 बीट्स। तो हमारे पास यहाँ पे पहले तो है प्ले नोट 60, बट दूसरे हमारे पास 62 नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्ले नोट 62 फॉर 0.5 बीट्स। और लास्ट है हमारे पास मूव 20 स्टेप्स। सो यहाँ पे हमारे पास 10 था, हमने यहाँ पे कर दिया मूव 20 स्टेप्स, राइट? सो एज हमारे पास जो भी प्रोग्राम गिवन था, जैसा कि उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था, अब ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही बन चुका है। तो समटाइम्स डिबगिंग में हमें ये पता चलता है कि हमने जो वैल्यूज़ प्रोग्राम में ब्लॉक्स में इस्तेमाल की हैं वो गलत हैं, तो उसको सही किया जाए। या समटाइम्स प्रोग्राम की जो ऑर्डरिंग है वो भी गलत हो जाती है। दैट मीन्स कि हमारा मूव का जो लास्ट वाला ब्लॉक है वो एक्चुअली नीचे नहीं ऊपर लग गया, लेकिन एक्चुअली उसको प्रोग्राम में सबसे नीचे आना चाहिए था। तो ऑर्डरिंग इन एनी प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि ऑर्डरिंग किसी भी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो डिपेंड करती है हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे और उसके जनरेट करने वाले आउटपुट पे। अगर आउटपुट प्रोग्राम के मुताबिक नहीं चल रहा, दैट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है, हमें अपने रिक्वायर्ड आउटपुट के मुताबिक प्रोग्राम को लिखना है। इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमें प्लेस नोट्स परफॉर्म करने हैं 60 से लेके 70 तक, राइट? हमारे पास एक प्रोग्राम का आउटपुट है। लेट्स से हम यहाँ पे एक प्रोग्राम का आउटपुट नोट कर लेते हैं कि हमारे पास 60 से लेके एक आउटपुट है जो कि जनरेट करेगा ये नोट्स 60, 62, 63, 64, 65, राइट? हमारे पास ये आउटपुट के लिए हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो कि एज एन आउटपुट हमारे पास चलने चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम के लिए मैंने लेट से कि मैंने ये प्ले नोट्स यहाँ पे पुट कर दिए और लेट से मैंने सिर्फ 4 ही पुट किए, राइट? बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मेरे पास टोटल 6 आउटपुट्स जनरेट होने हैं। दैट मीन्स कि मेरे पास हर नोट को प्ले करने के लिए एक ब्लॉक होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर मुझे 6 आउटपुट्स चाहिए तो मुझे 6 नंबर ऑफ ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू द आउटपुट जो भी नोट उसमें प्ले हो रही है उसके मुताबिक मेरे भी नोट्स के नंबर होने चाहिए, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास डिबगिंग के 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। नंबर 1 कि हमारी वैल्यू सही नहीं गिवन, नंबर 2 हम शॉर्ट ऑफ ब्लॉक्स हैं, हमें अपने ब्लॉक्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। सो जैसे कि यहाँ के आउटपुट में जो रिजल्ट चाहिए उसमें टोटल 6 आउटपुट्स हैं, तो हमारे पास हमें 2 ब्लॉक्स और बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हमारा आउटपुट बिल्कुल वैसे ही सेम बने,
राइट, और देन हमें अपनी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी विच इज़ 60, 61, 62, 63, so on to 65. तो हम यहाँ पे प्लेन आउट में वैल्यूज चेंज कर देते हैं 61, 62, 63, 64 and 65. राइट, तो अब ये बिल्कुल वही प्रोग्राम बन गया जैसे कि हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट था. सो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट बिल्कुल वैसी ही नोट प्ले करेगा जैसे हमने प्रोवाइड करें. तो आइए इसका आउटपुट भी देख लेते हैं. राइट, सो हमारे 6 ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए फॉर द 6 आउटपुट. प्ले नोट के ब्लॉक्स या साउंड के ब्लॉक्स बेसिकली इस तरीके से ही डिज़ाइंड है स्क्रैच के अंदर कि हर ब्लॉक एक्चुअली कोई एक नोट, कोई एक साउंड की ट्यून को जनरेट करता है. तो अगर आपके पास कभी भी साउंड में 6 आउटपुट्स आ रहे हों दैट मीन्स कि आपने 6 नंबर ऑफ ब्लॉक्स को ही इस्तेमाल करना है. इसकी और भी टेक्निक्स हैं जो कि आपको आगे फर्दर वीडियोज़ में एक्सप्लेन करी जाएंगी, बट इनिशियली अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो फॉर सर्टेन आउटपुट तो आपको उतने ही ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना है जितने आउटपुट में रिक्वायरमेंट है.